अगर आप अपनी जॉब बदलना चाहते हैं तो आपको मौजूदा कंपनी में नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। ये व्यवस्था लगभग सभी कंपनियों में मौजूद है, लेकिन क्या नोटिस पीरियड देना वाकई जरूरी होता है? रेजिग्नेशन देने के बाद भी क्या कंपनी आपको इस वजह से रोक सकती है क्योंकि आपने अपना नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया? अगर आपको नई जॉब पर जल्दी ज्वाइन करना है तो क्या आप कम समय का नोटिस पीरियड सर्व कर सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो के जरिए देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपसे कई तरह के दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स साइन कराए जाते हैं। इनमें कंपनी के साथ काम करने की शर्तों का दस्तावेज यानी वर्क कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल होता है। यही दस्तावेज आपके नोटिस पीरियड की पूरी जानकारी देता है। इसमें लिखा होता है कि इस्तीफा देने के बाद आपको कितने वक्त का नोटिस पीरियड देना होगा। अगर आप छोटा नोटिस पीरियड सर्व करना चाहते हैं तो उसकी नियम और शर्तें क्या होंगी, और अगर आप नोटिस पीरियड नहीं सर्व करना चाहते तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो नोटिस पीरियड है ये आखिर कितने दिन का होता है। तो आपको बता दें कि नोटिस पीरियड का कोई यूनिफॉर्म नियम नहीं है। हर कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में इसका उल्लेख करती है। आमतौर पर अस्थायी कर्मचारियों यानी प्रोबेशन पे जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए नोटिस पीरियड की अवधि 15 दिन से एक महीने तक की होती है, जबकि स्थायी एम्प्लॉयज के लिए यह अवधि किसी कंपनी में 2 महीने तो किसी कंपनी में 3 महीने तक की हो सकती है। अब ऐसे में आपको ये जानना भी जरूरी है कि ये नोटिस पीरियड का प्रावधान आखिर होता क्यों है। दरअसल नोटिस पीरियड का प्रावधान कंपनियां इसलिए रखती हैं ताकि आपके नौकरी छोड़कर जाने पर उस अवधि में वो आपका रिप्लेसमेंट ढूंढ सके या किसी और को आपके कामकाज का जिम्मा सौंप सके। आपके इस्तीफा देते ही कंपनी नए कैंडिडेट की तलाश में लग जाती है। अब सवाल ये है कि क्या नोटिस पीरियड सर्व करना जरूरी होता है? तो आपको बता दें कि अगर आपने नौकरी ज्वाइन करते वक्त कंपनी के नोटिस पीरियड वाले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं, इसका मतलब ये है कि आप कंपनी की उस पॉलिसी को लेकर सहमत है। ऐसे में आपके लिए नोटिस पीरियड सर्व करना जरूरी हो जाता है। लेकिन क्या कंपनी आपको इसके लिए बाध्य कर सकती है? नोटिस सर्व नहीं करने की स्थिति में आपके पास क्या विकल्प है? चलिए समझते हैं। नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए कंपनी आपको किसी भी तरह से बाध्य नहीं कर सकती है। आपके कॉन्ट्रैक्ट में इसके नहीं सर्व करने की शर्तें भी आमतौर पर दी जाती हैं। इनमें नोटिस पीरियड के बदले आपकी छुट्टियों यानी अर्नड एंड सिक लीव्स को काउंट करने या नोटिस पीरियड की अवधि के बदले पेमेंट करने का विकल्प शामिल होता है। ये पेमेंट आपकी बेसिक सैलरी के आधार पर करना होता है। वहीं आप अपनी नई कंपनी से बायआउट के ऑप्शन को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको अपनी कंपनी के एचआर से इस बारे में विस्तार से बात करके पूरी पॉलिसी को समझना चाहिए। आपकी सैलरी का बचा हुआ पेमेंट या आपके नोटिस पीरियड के एवज में किए गए पेमेंट का सेटलमेंट कंपनी आपके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट से करती है। तो ऐसे में उम्मीद है कि नोटिस पीरियड से जुड़ी सारी जानकारियां आपको अब समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा भी अगर नोटिस पीरियड से जुड़ा आपका कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।